हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि एक्सेस पे मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए और यहां से आ जाइए। यहां पे मैं मैक्स लिखता हूं क्योंकि हम मैक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं अमाउंट, ठीक है। आप अमाउंट की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं। डेटा टाइप नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है व्यू पर और यस कर देना है। अब यहाँ पे अमाउंट हमें डालना है, जो भी अमाउंट है हमारा। जैसे पहले 10,000 डाल देता हूँ मैं, फिर यहाँ 20,000 कर देता हूँ। दो तीन अमाउंट, 10 अमाउंट, 20 अमाउंट, चाहे जितने भी अमाउंट हो उनमें मैक्सिमम ये वैल्यू निकाल करके दे देगा हमें कि इसमें मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू और अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको सेव करना है। सेव कर दिया हमने, अब क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे। हमें मैक्सिमम से मतलब है, तो मैक्सिमम अमाउंट हमें पता करना है, तो आईडी को हम छोड़ देते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। ले लिया हमने। अब यहाँ पर आपको रखना है कर्सर को, ठीक है, और यहाँ पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। तो ये ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप बाय लिख करके आ जाएगा। और यहाँ पर जाइए आप और यहाँ पर आ जाइए मैक्सिमम पे, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। तो यहाँ देखिए जो भी मैक्सिमम अमाउंट है वो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ लिख करके। इसके पहले कई अमाउंट लिख करके आते थे, अभी सिर्फ मैक्सिमम आ रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि मैक्सिमम अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है, 20,000 रुपये है। तो देखिए यहाँ आंसर में क्या आया हुआ है, यहाँ 20,000 आया हुआ है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम की, ठीक है। आइए देखते हैं मिनिमम अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है, और क्रिएट पे जाने के पहले पहले यहाँ आ जाएंगे हम। अब क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ ऐड कराएंगे इसको, और ऐड कराने के बाद अमाउंट पे आएंगे। अब हमें मिनिमम अमाउंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिनिमम। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैक्स ही रहने देते हैं, चूँकि हमने नाम दे दिया इस टेबल को मैक्स, तो ये मैक्स ही रहेगा, ठीक है। इसको बाद में चेंज करेंगे हम। आप हम इस बार मिनिमम अमाउंट निकालना है, तो आइए देखते हैं कि मिनिमम अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। ग्रुप बाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्रॉप डाउन में मिन चूज कीजिए, ठीक है। अब मिनिमम मिन चूज करके और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए मिनिमम अमाउंट आ चुका है हमारा 2300। आइए देखते हैं हमारे पुराने टेबल जो कि हमने बना रखा था उसमें 2300 मिनिमम है या नहीं। तो देखिए यहाँ 10,000, 20,000, 2300 और 6,000 और 3,000 है, तो 2300 सबसे कम अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद से आइए एक और फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ वापस क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे चलिए, ऐड करा दीजिए इसको और यहाँ पर अमाउंट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं अगला फार्मूला, तो यहाँ पर क्लिक करके टोटल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ पर ग्रुप बाई आ जाए। और ग्रुप बाई आने के बाद अगर आप काउंट लगाना चाहते हैं फार्मूला, तो काउंट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ये काउंट करके बताएगा कि कितने हैं ये, ठीक है। तो ये पांच जो है कॉलम्स हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 और ये पांच कॉलम्स लिए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, देखिए, तो आइए अब देखते हैं कि क्या कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं, ठीक है। ये क्वेरी 3 थी हमारी, तो यहाँ पे देखिए अभी चूँकि क्वेरी 1 में हैं हम, अभी हमको इसको दोबारा से रन करवाना होगा। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसको हमको दोबारा से लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, वापस यहाँ पे आएंगे और क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और इसको ऐड करा दीजिए आप। ऐड कराने के बाद अमाउंट पे क्लिक कीजिए। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ टोटल पे क्लिक करना है और यहाँ ग्रुप बाई में जा करके और यहाँ मिनिमम अमाउंट पे क्लिक कर देना है और ओके करना है। तो यहाँ देखिए ये मिनिमम अमाउंट आ गया। अब हम बात कर रहे थे काउंट की, ठीक है, एक बार काउंट भी देख लेते हैं। क्रिएट पर चलेंगे और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ ऐड करा देंगे इसको, ठीक है। अमाउंट हम ले लेंगे, हमें सिर्फ अमाउंट ही चाहिए, तो हम अमाउंट ले लेते हैं, बाकी सब हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आना है हमको और यहाँ से टोटल पे क्लिक कीजिए और ग्रुप बाई, और यहाँ देखिए नीचे फार्मूलाज बहुत सारे दिए हुए हैं, हम काउंट का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ काउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप 5 के बजाय 6 आ रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल है, अब ये 6 टेबल हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी, काउंट फार्मूला, मैक्सिमम और मिनिमम। और भी फार्मूले की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।